एवरीवन, तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:45। आज संडे है और अभी बज रहे हैं 7:45। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में बनाऊंगी आज मैं आम की सब्जी, खट्टे मीठे आम की सब्जी जिसको हम अम्बुआ बोलते हैं, वही बनाऊंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं हम लोग आम की सब्जी। ये देखिए, ये है आम जो मैंने उस दिन पल्प निकाल के रखा था ना, वो पल्प है ये। अब आज मैं इसी को बना लूँगी, क्योंकि नहीं बनाऊँगी, 2 दिन हो गए रखे हुए, फिर ख़राब हो सकता है ये फ्रिज में, इसीलिए आज ये सब्जी बना लूँगी मैं। डाल दिया मैंने जीरा, डालूँगी मिर्ची दाना, जब ये पक जाएगा ना तो डालूँगी इसमें हल्दी, और कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें। डाल सकते हैं वैसे आप लोग प्याज लहसुन डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूँगी इसमें, सिंपल ही बनाऊँगी। अभी देखिए मेरा तेल जो वो पक गया है, तो अभी डाल दूंगी मैं इसमें हल्दी, और हल्दी पक जाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये आम पल्प। देखिए तो डाल दिया मैंने पल्प आम का, की घुटनियाँ भी साथ में डाली जाती हैं आम की ना, मर्जी होती है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो, इनको घुटनियों को अच्छे से जूस निचोड़ कर उनका घुटनियों को जो हुआ आप लोग निकाल सकते हो। इसके साथ ही डालूँगी अजवाइन जो है वो, इसका मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो डलती है इसमें, अजवाइन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अजवाइन और जो सोए होते हैं मीठी सौंफ जो होती है वो, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जो कि अम्बुओं में डलती हैं। और इसके साथ ही मैं ये मिर्ची डाल दूँगी, नमक, ये नमक डाल दिया मैंने, और ये है मसाला गरम मसाला। तो अभी ये इसको मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, उसके बाद फिर पकने दूंगी। ये डाल दिया मैंने इसमें पानी, और अभी मैं पकने दूंगी इसको। इसके साथ ही ना इसमें डालनी थोड़ी सी शक्कर, मेरे को गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, वैसे खट्टे मीठे होते हैं आम, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कोई आम खट्टा होता है कोई मीठा होता है, तो वो उसके लिए मैंने डाल दिया ये शक्कर डाल दी। कुछ भी डाल सकते हो आप लोग इसमें। तो चलिए फिर अभी 5 मिनट में हो जाएगा मेरा अम्बुआ जो है वो तैयार। ये देखिए मेरी सब्जी में आ गया उबाल, और अभी मैं इसको ऐसे उबालूंगी थोड़ी देर के लिए, और फिर आंच बंद कर दूंगी। तो ये मैंने लगा दिया ढक्कन। तो ये देखिए बस मेरी सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो ही गई है अब, ये देखिए। और अभी इसके साथ मैं चपाती बनाऊंगी, और फिर हम लोग 8:30 बजे तक, 8:30-9 बजे तक डिनर कर लेंगे। देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी सब्जी बन गई हमारी, और इस सब्जी को बनाने के ना बनाने में बस 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि आम पके हुए होते हैं, कच्चे आमों की भी बन जाती है, बट उसमें फिर वो है कि चीनी और गुड़ ज़्यादा डालना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। और ये तो पके हुए आम है, तो पल्प डाला और जल्दी से बस होगी सब्जी, 5 मिनट में तैयार हो जाती है। और अभी बनाऊंगी मैं चपाती, और उसके बाद होगा हमारा डिनर, और इसके साथ ना हमारी सुबह की भिंडी बची हुई है और दिन की दाल भी है, वो भी खाएंगे हम अकेले, अम्बू से नहीं खाएंगे। हमारे घरों में चलता है ये, इंडिया में तो ऐसा चलता ही है कि सुबह की और दोपहर की हम रात को खा लेते हैं, पिछले दिन की तो नहीं खाते, लेकिन सुबह की और दोपहर की खा लेते हैं हम रात को डिनर में। तो चलिए फिर चपाती बनाने के बाद करते हैं आपसे बात।
उसके बाद फिर मैंने बना ली थी चपातियाँ, और चपातियाँ बनाने के बाद फिर हम लोगों ने कर लिया था डिनर। अभी मैं और मेरा बेटा करके उठ गए हैं डिनर, और ये दोनों कर रहे हैं अभी। और डिनर करने के बाद फिर मैं करूँगी किचन की सफाई, बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर किचन की थोड़ी बहुत सफाई होती है वो कर लेंगे। ये दोनों चले जाएंगे, उसके खाना खा के चले जाएंगे, उसके बाद करूँगी मैं किचन की सफाई। बर्तन वगैरह ना बोलते हैं रात को रखने नहीं चाहिए, कर लेने चाहिए साफ रात को ही, सुबह के लिए नहीं रखने चाहिए बर्तन। रात के बर्तन कभी भी सुबह के लिए नहीं रखने चाहिए। कई लोग रखते हैं, अगर रखने पड़े मजबूरी में, कई तबीयत ठीक नहीं है या कोई काम ऐसा है कि मतलब नहीं हो रहे हुए साफ हो, तो भी उनको धो के रखना चाहिए, धो के फिर सिंक में डाल देना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही जूठे बर्तनों के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो और अपना ही मूड ख़राब हो जाता है। इसलिए बर्तन जो है वो हमेशा धो के रखने चाहिए, रात को साफ़ कर लेना चाहिए बर्तन। और किचन भी अच्छे से साफ़ हो ना, तो सुबह उठ के फिर अच्छा मूड अच्छा जाता है साफ़ किचन देख के। और ऐसे गंदा किचन होगा तो फिर सुबह उठते ही मूड ख़राब हो जाएगा, और फिर करना तो हमारे को एकता है, ये तो है नहीं कोई आके कर जाएगा, खुद को करना है काम तो फिर कर लो टाइम से। इसलिए मैं शाम को ही कर लेती हूँ, रात को कर लेती हूँ सारे काम। और इसके साथ ही मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सारे सेल्फ वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं फिर, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। थोड़ी देर टीवी देखेंगे और सो जाएंगे फिर। ये देखिए अभी हो गए मेरे बर्तन साफ, और अभी कर लूँगी मैं सेल्फ की सफाई। देखिए साथ में दूध भी गर्म हो रहा है मेरा, अच्छे से सारे सेल्फ साफ कर लूँगी मैं। बस फिर हो गया था, अभी मैंने हाथ धो लिए सारी सफाई के बाद, अभी दूध डाल दूंगी गिलासों में। और ये हल्दी वाला दूध पीते हैं ये, तो इनके लिए हल्दी वाला दूध है। और बस फिर यही होती है हमारी शाम की रूटीन डेली की। चलिए फिर अभी हमारा डिनर तो हो गया है, और अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी, तो इसके बाद फिर हम सो जाएंगे, तो फिर सुबह करते हैं आपसे बात। गुड नाइट। तो ये लग गई थी मेरी मेहंदी, और अभी करती हूँ मैं एंडिंग। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।